जैतगांव के पास लगी भीषण आग में आग लगने से ऊंची ऊंची लट्ठे दिख रही हैं। आग लगने से आधा वार तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियां। जैतगांव में पानी की टंकी के पास भीषण आग लगी है। सिंचाई विभाग के पाइप के गोदाम में आग लगना बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आग ने फिलहाल विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार आधे घंटे से ऊपर आग लगते हुए हो गया है। ग्रामीणों में आग लगने की घटना से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। थाना जैत इलाके के मौजूद पानी की टंकी के पास आग लगना बताया गया है। ये थाना जैत क्षेत्र में जैत गांव है, उसके पास ही हाईवे से सटे हुए क्षेत्र में एक आग लगी है। ये एक गोडाउन बताया जा रहा है जहां पाइप्स रखी हुई थी। किन कारणों से आग लगी है अभी क्लियर नहीं है। आग को बुझाने का अभी लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई सारे फायर टेंडर इसमें लग रहे हैं। दो फायर टेंडर अभी मौके पर हैं और भी फायर टेंडर आ रहे हैं। टैंकर्स भी मंगवाए गए हैं जनपद के विभिन्न हिस्सों से, क्योंकि आग काफ़ी बड़ी है। यहाँ मथुरा रिफाइनरी से भी हमारी बात हुई है, वहाँ से भी एक्सपर्ट और फायर टेंडर्स आ रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी इस आग पर हम लोग काबू पाएँ। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की सूचना नहीं है। प्लस आसपास के मकानों से भी लोगों से अपील करके वहाँ से खाली कराया गया है, जिससे सर्वप्रथम जो हमारा प्रथम प्रायोरिटी है कि किसी तरह की जान का नुकसान ना हो, कोई व्यक्ति इसमें ना फंसा रहे, बाकी डैमेज मिनिमम हो और आग पे जल्दी काबू पाया जाए, इसके लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।